कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज गणेश चौथ है और गणेश चौथ वाले दिन जितनी भी माँ होती हैं अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं, वो भी लड़कों के लिए रह जाता है गणेश चौथ। तो मैं कितनी बार वीडियो बना चुकी हूँ कि जो ये मतलब कि व्रत होता है गणेश चौथ, ज्योतिया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए क्यों नहीं होता है। तो बहू भी बेटी होती है और बेटी भी बहू, बेटी तो बहू नहीं होती, बहू ही बेटी के रूप में मानी जाती है। लेकिन हमको ना जब भी ये सब फेस्टिवल आता है ना, तो मैं अपने मम्मी से ज़रूर कहती हूँ कि ये किसने बना रखा है कि बच्चों के लिए, बच्चों तो दोनों एक समान होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा भी कोई फेस्टिवल नहीं है जो माँ अपनी बेटी के लिए व्रत रहे, सब बेटों के लिए होता है। लगता है लड़कियाँ पराई होती हैं ना, शादी के बाद चली जाती हैं दूसरे के घर ना, इसलिए भगवान ने बोला नहीं बेटों के लिए हो। तो हमारे घर में कुछ ऐसा कांड हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से मम्मी पूजा नहीं कर पाएंगी। आज 16वां दिन है, मतलब कल ही 16वां दिन था, तो आज मम्मी फास्ट है, तो आज मतलब कि पूजा नहीं की नहीं। आपको हम पूरा विधि पूर्वक इस वीडियो को ज़रूर दिखा दें कि वो कैसे पूजा की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। तो काफ़ी टाइम हो गया तो मैं देख रही हूँ चांद निकल गए कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इधर दिख नहीं रहा है चंद्रमा को। तो मैं चलती हूँ, उनके लिए गांव से सिंघाड़ा आ रखा है, तो सिंघाड़ा का हलवा बना दे। तो जैसे मुझे आता है मैं वैसे बना दूँगी, मैं इतना परफेक्ट तो नहीं बना पाऊँगी। और मुझे भूख भी नहीं लगा है कि मैं चलूँ खाना अपने लिए कुछ बना लूँ, मैं नहीं बनाऊँगी। और तबीयत भी बहुत ही डाउन चल रहा है पहले से, तो चलते हैं हम बना देते हैं। फिर मेरे कुछ ऐसे आता वैसे ही सिंघाड़े का हलवा बना देते हैं, वो खा लेंगे क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और ये चांद देख के ही खाया जाता है। तो आप लोग खूब प्यार दीजिए, खूब शेयर करिए। अभी देखिए अला ब्लैंकेट मैंने खोल दिया, अभी मैं लेटी थी जब मैंने देखा 8:30 बज गया है, क्योंकि चंद्रमा निकलने का टाइम है कुछ 9 बजे का है। तो मैं बना देती हूँ, गर्मा गर्म वो खा भी लेंगी, फिर आप लोग से कुछ देर में मिलते हैं। सिंघाड़े का हलवा किसको किसको बहुत पसंद है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। व्रत है तो ये बना हुआ सिंघाड़े का लो, सिंघाड़ा आया है गांव से क्योंकि यहाँ पे अच्छा वाला नहीं मिलता है, तो मम्मी ने गांव से मंगवाया है ना मम्मी। और साफ सुथरा तेल, कुछ नहीं, चम्मच बना, चम्मच चम्मच गर्मा ही वैसे बन जाते थे ना मम्मी खाई में, बबलू गर्मा ही खाते हैं, बबलू गर्मा ही खाते हैं ना, रात में बना था ना, हम के भी बड़ा मजा देते गर्मा ही खाने में, खा ले बहन का नहीं नहीं खा तू, अरे तो ना हम खावे ना ही, जब खाबो तब खावे इस तरह संगे, कब जब व्रत तोड़बो पूजा ना करबू ना मम्मी, मम्मी पूजा करते कितना अच्छा ब्लॉग बनता ना, पूजा करे के बहुत सामान अपना जुहावे पर काली को, तो मम्मी कर रही होंगे ना पूजा, पिछले साल तुम्हारे यहाँ क्या था शादी थी क्या, जो हम लोग थे तुम्हारे यहाँ ना पिछले साल ही तो थे, तुम्हारी मम्मी जब पूजा कर रही थी जनवरी में, उस बार हमारे एनिवर्सरी वाले दिन पड़ा था। अच्छा हाँ सॉरी, एक बार पड़ा था गर्मी में, एक हाँ। दो बार आता है ना ये, अच्छा दो बार आता है मम्मी साल में, दो ही बार हाँ। एक हलवा बना हुआ है सिंघाड़े का, अरे उन्होंने जान कठिन आज तुम व्रत हो ना, कहा क्या खाओगे इनका हलवा का, यही खवाते हैं, यही बन बे करते हैं हलवा मेन होता है, लेते से फल चलता है, पास चाय पी लेना, हम का हम चाय नहीं पीते, इसमें चाय पिया ही नहीं, बोले थे चाय बनता है, हमके चाय बनता ही नहीं, हम नहीं पीते चाय, हम नहीं, कोई नहीं पिए, बहुत जन पिए थे, हम नहीं पी, हम लोग के साइड में कोई नहीं पिए, हमारे माई आई
बस हलवा मेन भगवान नहीं, हम इसको बोले मम्मी को क्या बोलते जब व्रत तोड़ेगी चाय बना देते ना, चाय बने तो कि नहीं बनता है। अच्छा हमका का मम्मी तो पीती है शायद, दूध हम तो नहीं पीते, दूध कौन व्रत में नहीं खाए, कोई व्रत में दूध नहीं खाए, लोग खाते हैं मगर हम नहीं खाए। ये लड़का का है, ये गणेश चौथ विधवा तो भी रहेगी आने वाले समय में, भगवान चाहेगा तो। मम्मी कैसे कम ज्यादा हो रहा है, इतने व्रत है लड़कियन भाई छोड़ ना छोड़ जब तक हमारा रहा था तब तक रहा नहीं, तो फिर हम पूजा करी थे बैठी रहा था ना सब जुगाड़ कर हम कुछ ना करे मम्मी को कुल कर कुल वही जुगाड़ कर हम नहीं कुछ करे खाली पापा को ले ही खरिया में पराते में लगाए के पूछा खाली ले जाए धर जाए बस सब पूजा कर रहा थी ना तब घंटी ऊपर बजत रहा था हम लोग के यहाँ भी सबके यहाँ बड़े पहले अय्या करते करते थे वो नहीं करते उनसे ना ही हम देर पीछे हमारे साहब नहीं रहा ना जाने के भवा लड़किया गणेश चौथ के तब ऐसे एक बार फोन करके पूछो गांव में चंद्रमा निकले अभी नहीं। The next morning. मैं ऑफिस से आ गया हूँ और यहाँ पे हो रही है खाने पीने की तैयारी, तो राइस है, सब्जी है और ओती है, ओती ऋषभ बोलता है ओती खाऊंगा, ओती रोटी को ओती बोलता है, तो बढ़िया है कि तैयारी मम्मी को खाना देने के लिए। और ठंड बहुत, ठंड का कहर बहुत जबरदस्त है गाइस, बहुत 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 जबरदस्त है, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा किट्टों को थोड़ा सा करना पड़ रहा है इस तरह। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और यहाँ पे राइस है और तो यहाँ पे अपना कर रही है बर्तन बर्तन वॉश, तो ठंड का कहर तो है ही भाई, आप लोग भी बोलोगे भैया बार 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 ठंड 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 कर आपका ब्लॉग देख के और ठंड लगने लगता है, तो क्या करें। तो इसको बोल रहा था कि यहाँ पे गीजर लगवा देता हूँ, एक होता है बर्तन धुलने वाला भी गीजर होता है छोटा सा होता है, वो स्टैंड गर्म कर देता हूँ, तुरंत गर्म कर देता है पानी को, ठीक रहता है। वैसे मैं सुबह के लिए ला दिया हूँ पालक सोया और बैंगन, तो सुबह ये सब्जी बन जाएगा, थोड़ा हरी सब्जी बन जाएगी तो ठीक रहेगा। आज वैसे काफ़ी लेट हो गया, मेरे को ऑफिस से आने भी लेट हो गया था, तो बच चुके हैं 9:30 तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।